हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। तो आज है 9th of July, आज मेरे बेटे का बर्थडे है और हम आ गए थे सुबह सुबह मंदिर। हाँ लॉयन, चलो अंदर चलो लेके बाबू। सो हम लोग दर्शन करके आ गए हैं और आद्विक ने क्या लिया, ढेर सारी मिश्री। सो दर्शन वर्शन हो गया हमारा और अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मुझे चाय पीनी है। हम लोग कुछ खा कर नहीं आए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था इस बार। हर बार ही टाइम से जाते हैं बट इस बार ही बहुत लेट हो गया। इतनी चीज़ें सेग्रीगेट नहीं है, शायद ये रीज़न है या जो भी, तो वही है। और अब मैं पहले चाय पी लूँगी, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या कुछ हल्का फुल्का सा नाश्ता पहले बनाऊँगी, फिर उसके बाद लंच प्रिपेयर। आद्विक ने भी बहुत अच्छे से दर्शन किया और बहुत बहुत बदमाशी भी करता है, करता है ना। बोल दो हैप्पी बर्थडे हमको, मुझे विश करो, सब लोग हैप्पी बर्थडे बोलो, बोलो हैप्पी बर्थडे प्लीज बोलो। बॉयज एक्स्ट्रा नॉटी होते हैं ना, ना। और ये बदमाशी कर रहा है, मैं भी इसको सेटल वेटल कर लूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं, ठीक है। सो गाइज, हमारा नाश्ता वाश्ता हो गया और चाय वाय भी मैंने पी ली और अब मैं जा रही हूँ लंच प्रिपेयर करने। तो पहले मैं चेंज वेंज करूँगी, फिर करूँगी केस में। तो हालत मैं सोच रही थी कि मैं पहने रहूँगी बट मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो मैं चेंज करूँगी। और मैंने आद्विक का केक इस बार ऑर्डर करके मंगाया है, तो देखते हैं कैसा आता है, वो भी रिस्पॉन्स मैं शेयर करूँगी। तो जो कानपुर में होंगे उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी अगर उन्हें ऑर्डर करना होगा तो। सो ये है और मैं जा रही हूँ बनाने। और अभी डेकोरेशन वेकोरेशन कुछ भी नहीं हुई है, अभी हम लोग करेंगे मिलके, तो वो क्लिप भी मैं शूट करूँगी। गाइस ये पिंपल बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, अगर विजिबल हो रहा हो तो। सो चलो फिर हेयर टाई कर लूँ और फिर कढ़ी बनाऊँगी। तो कढ़ी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इसके पहले जब भी मैंने कढ़ी दिखाई है तो आप लोगों ने कहा है कि प्लीज़ प्रीति एक रेसिपी इसकी पूरी बताओ, तो मैं पक्का शेयर करूँगी अभी। तो कढ़ी की रेसिपी के लिए यहाँ पे मैंने ले लिए हैं गार्लिक, जो कि 10 to 15 क्लोव्स थे, उसको अच्छे से कूट लिया है। फिर उसके बाद उसमें रेड चिली पाउडर डाल के उसको अच्छे से लिक्विड कर लिया है। फिर बेसन में जीरा, सॉल्ट, नमक और टर्मरिक डाल के, वो जो पेस्ट बना था वो भी 2-3 चम्मच डाल के अच्छे से बैटर बना के उसके पकौड़े तल लिए। यहाँ पे आद्विक अपने पकौड़े इंजॉय कर रहा है, उसको ये पकौड़े बहुत पसंद है। फिर उसके बाद 2 ग्लास पानी लेना है और उसके बाद 2 स्पून बेसन डालने हैं और नमक सॉल्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर कढ़ाई में डालनी है हींग और हींग डालने के बाद आप इसमें जो पेस्ट एक्स्ट्रा बचा हुआ था उसको डाल के थोड़ी देर, मतलब 1 से 2 मिनट भून लेना है। अंदर उसके बाद इसमें डाल देना है ये लिक्विड जो हमने बेसन का रेडी किया था। फिर इसमें हमने जो पकौड़े रेडी किए थे तल के वो भी डाल देने हैं साथ ही साथ। और उसके बाद इसको ढक करके अच्छे से 5 to 10 मिनट्स पकाना है। कढ़ी इसीलिए कढ़ी उसको कहते हैं क्योंकि वो कढ़नी चाहिए अच्छे से। तो इसको अच्छे से पकाने के बाद आप देखोगे एकदम यम्मी और बहुत ही टेस्टी कढ़ी रेडी हो गई थी। और ये है आद्विक की प्लेट, मैंने उसको फिर खाना खिलाया। सो हेलो एवरीवन, और अभी मैंने लंच वंच हम सब ने कर लिया, आद्विक को मैंने खिला पिला के सुला दिया है। तो हम लोग इसी रूम में डेकोरेशन करेंगे, जैसा कि इस रूम की हालत आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अभी पेंट वेंट का काम तो अधूरा ही रह गया है। तो हम लोग इसी रूम में करेंगे डेकोरेशन, देखते हैं कैसे होता है। और बलून्स ले आए हुआ, वो बलून्स मैंने मंगाए हैं, बहुत ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन मंगाए हैं, ब्लू और रेड, क्योंकि केक भी वैसा था। और हाँ, मैंने बोला था कि केक मैंने ऑर्डर किया था तो केक मेरा आ गया है, अब देखते हैं कि टेस्ट कैसा है, बट लुक वाइज अच्छा है। आप लोगों को मैं शाम को दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने फ्रिज में रख दिया और मैं नीचे हूँ। सो ये हो गया। अब शाम की ऐसी प्रिपरेशन मुझे करनी है कि मैंने कॉलोनी के कुछ बच्चों को बुलाया, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों को बच्चों, हाँ पीओ के फ्रेंड्स सारे हैं, तो बच्चों को बच्चों के साथ ही अच्छा लगता है। तो कुछ गेम्स वगैरह कराऊंगी मैं, और क्या बोलते हैं, और बच्चों के लिए मैंने सोचा कि मैं पास्ता बना लूँगी, बट मैं सोच रही थी कि मैं वाइट पास्ता बनाऊँ कि रेड पास्ता, क्योंकि मैक्स ऑफ द बच्चों को वाइट पास्ता नहीं पसंद होता, जैसा कि मेरे आदू को वाइट पास्ता बिल्कुल नहीं पसंद है और पीहू को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि सेफ साइड अपना इंडियन टच ही रखते हैं, रेड पास्ता ही मैं बना रही हूँ ताकि सभी बच्चे खा पाएंगे। सो या ये अपडेट है अभी तक की, और मैं थोड़ा सा करूँगी रिलैक्स, और पीहू अपने गेम्स वगैरह के लिए थोड़ी चिट वगैरह बना रही है।
सो ये, और इस रूम की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है गाइस, बट डेकोरेशन तो मैं सोचूंगी जितना हाइड हो सके मैं कर दूँ, क्योंकि अभी पेंटिंग का काम तो हुआ नहीं है। सो चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर। सारी डेकोरेशन हो गई एवरीवन, और बहुत ही सिंपली मैंने कर लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर सकती थी। और ये पिंपल का हाल देख रहे हो, दिन पर दिन इसकी ग्रो पीक पे हो रहा है। और मैं पी रही हूँ चाय जो कि है ग्लास में, और डेकोरेशन मेरी ये है, मैंने बहुत ही सिंपली कर दिया। बस ये सिंपल डेकोरेशन, और थोड़ा थोड़ा मैंने इधर उधर भी ऐसे लगा दिया है। तो ये है, क्योंकि हम लोग ऐसे देखो बेड तो है नहीं यहाँ पे, इस जगह पे बेड अभी है नहीं, तो हमने नीचे ही मैट वैट डालकर ही केक काटना है। तो फिर मैंने थोड़ा नीचे ही कर लिया कि ऊपर वाला फिर आएगा नहीं वीडियो वीडियो में तो अच्छा लगेगा वो। सो ये है, सारी डेकोरेशन हो गई है, और अब जा रही हूँ मैं बच्चों को रेडी करने के लिए। पीयू को करूँगी, आदू को करूँगी। यहाँ पे आदवी को मेकअप का इतना ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है आजकल कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अपनी दीदी का मेकअप कर रहा था, इवन वो मेरा भी मेकअप कर रहा था। और जब हम रेडी होते हैं ना, आजकल ने उसने सीखा हुआ है कि मम्मा लिप टेप यानी लिपस्टिक लगा दो मुझे भी, मम्मा मम्मा मेरा मेकअप कर दो। फिर यहाँ पे मैंने आदवी की थोड़ी सी फोटो शूट की, मतलब थोड़ी एक दो पिक्चर क्लिक्स थी। एंड सो गाइस, मैंने बच्चों को रेडी कर दिया है, और आदवी को बिजी करने के लिए, बस मैंने बिजी करने के लिए उसको फ़ोन दिया है, अदरवाइज वो एक भी फ़ोटो नहीं क्लिक करवा रहा था। तो आप लोग इस चीज़ को बैड वे में मत लेना कि बच्चे को फ़ोन दिया हुआ है, रीज़न यही है कि बस उसकी फ़ोटो क्लिक करनी है और उसको बिज़ी करना है। सो दैट्स वाई मैंने किया है ये। और अभी मैं उसको ऑन वीडियो में लाती हूँ, और ये पीयू, पीयू को भी मैंने रेडी कर दिया। पीयू हाँ, तो हेलो बोलो, हेलो बोलो, कह दो हैप्पी बर्थडे। बनाने के बाद फिर मैं रेडी। सो मैंने ये पहन लिया है कुर्ता सेट, और मैं मेकअप बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं बस लगाऊंगी ये लिपस्टिक। क्योंकि बहुत एक्सेस गर्मी लग रही है। सो मैं मेकअप कुछ भी नहीं कर रही, मैंने ये कुर्ता पहन लिया है, और मैंने इसको सिलवाया था। सो मैंने आपको बता दिया कि ये कुर्ता मैंने फैब्रिक और लेस लेकर के बनवाया हुआ था। सो बस यही, मैं इयर रिंग्स भी नहीं पहने, पहन लूँ क्या, गर्मी बहुत है। अभी ये लिपस्टिक ड्राई हो जाएगी ना, तो इसका शेड अच्छा आ जाएगा। मैंने मास्क की लगाई है मिनी। चलो अब बच्चे नीचे एंजॉय कर रहे हैं।
उसको अकेले ही मजा आ रही है। यम्मी है बेबी। यस बेटा एक मिनट दे रही हूँ। और आद्विक को पता नहीं क्यों माले से एलर्जी है, वो माला पहनना ही नहीं चाहता। और बींग अ पेरेंट्स हम वैसे ही मनाना चाहते हैं जैसे हमारी मम्मियाँ मनाती थी। तो मैं भी उसको टीका करती हूँ और उसके बाद उसको माला पहनाती हूँ, आरती जलाती हूँ, एंड देन उसके बाद उसका बर्थडे मनाती हूँ। मैं थोड़े से इन सब रिचुअल्स में बिलीव रखती हूँ। कहीं ना कहीं एक हिंदुस्तानी फैक्टर है मेरे अंदर, एक इंडियननेस टच जो होता है वो है मेरे अंदर। सो दैट्स वाई, सो दिस इज़ इट। यही मुझे बताना था आप लोगों को। सो गाइज, ऐसे ही सिंपल तरीके से हमने आदवी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। बच्चों की खुशी मेरे लिए ज़्यादा मायने रखती है और बच्चों ने खूब इंजॉय किया। और उसके बाद फिर मैंने डिनर तो कुछ बनाया नहीं था, तो हमने जोमेटो से ऑर्डर कर लिया था, हमने वही खाया। और आप लोगों को दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।